अवैध संबंध के कारण पत्नी ने कराई थी पति की हत्या, पत्नी संग प्रेमी हुआ गिरफ्तार। मास्टरमाइंड पत्नी ने कराई थी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। धनबाद में पिछले दिनों मुकेश कुमार पंडित नामक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धनबाद पुलिस ने महज एक सप्ताह में उक्त हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में एक देसी कट्टा समेत हत्यारे और मृतक की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि नीलम जो व्यवसायी मुकेश कुमार पंडित की हमसफर थी, इसी बीच उसने अपने पड़ोस के पति के मित्र उज्ज्वल शर्मा के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ गई और मुकेश को उज्ज्वल ने सोशल मीडिया के माध्यम से हनी ट्रैप कर मौत के घाट उतार दिया। उज्ज्वल ने खुद लड़की बनकर मुकेश को अपने प्रेम जाल में फंसाया और मिलने के बहाने दामोदरपुर स्थित एक मैदान में बुलाया और उसे गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद जिले में कुछ लोगों ने मौन जुलूस निकाला तो कुछ लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए, लेकिन धनबाद पुलिस ने महज 8 दिनों के अंदर हत्याकांड का 26 तारीख को धनबाद थाना अंतर्गत दामोदरपुर में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। व्यवसायी मुकेश कुमार पंडित, इसका उद्भेदन, इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है और इस कांड में जो दो मुख्य आरोपी हैं, गोली चलाने वाला उज्ज्वल पंडित और कॉन्स्पिरेटर नीलम देवी जो कि इसकी पत्नी ही है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में प्रयुक्त जो हथियार थे, हथियार को भी बरामद कर लिया गया है और मोबाइल्स जिसका यूज़ किया गया है वो भी बरामद कर लिया गया है। इसका जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसका जो अब तक के उद्भेदन में जो बात सामने आई है कि ये उज्ज्वल शर्मा पहले इसके यहाँ काम करता था जो मुकेश पंडित है, और इसी क्रम में इसका इसकी पत्नी के साथ जान पहचान बढ़ा। जब जान पहचान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो इन लोगों ने फिर मुकेश पंडित के ऊपर को लगा कि कैसे इसको निपटाया जाए। तो जो उज्ज्वल शर्मा है ये किसी लड़की के नाम से अपना एक फेसबुक अकाउंट शुरू किया और वो उस अकाउंट से इस जो मुकेश पंडित है इसको हनी ट्रैप किया गया और लड़की बनकर के ये इससे फेसबुक पे ढेर सारा बातचीत इन लोगों का होने लगा। जब इन लोगों की नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई तो ये लोग फेस टाइम के मैसेंजर पे बात भी करता था। जब इन लोगों की नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई तो एक दिन जब इसको मिलने के लिए बुलाया वो, और उसी दिन मिलने के लिए बुलाया और फेस मैसेंजर पे ये लोग बात कर रहा था और जैसे ही लोग आमने सामने हुआ मुकेश पंडित ने ये उज्ज्वल शर्मा ने गोली चला दी और वहीं पर ये इसकी मौत हो गई। तो ये जो टोटल कॉन्स्पिरेसी है, टोटल कॉन्स्पिरेसी का जो पूरा एंगल है और जो पूरा हनी ट्रैप का एंगल है वो भी अपने आप में एक नई चीज़ है। और क्योंकि व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई थी और उसको जो मीडिया वर्ग है या चाहे व्यवसायी वर्ग ने भी इसको बहुत ही सीरियसली लिया था। इस संबंध में कई लोगों ने कई तरह का प्रतिवेदन किया, कुछ मौन जुलूस वगैरह भी इन लोगों ने निकाला। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए बस यही है कि व्यवसायी वर्ग को कहीं भी ऐसा लगता है इस तरह का जो हनी ट्रैप्स होता है, यह सबके लिए है कि हनी ट्रैप से ज़रूर आप लोग बचें। फेस टाइम मैसेंजर्स वगैरह पे लोग तरह तरह से अपना आइडेंटिटी चेंज करके लोगों को ट्रैप करने का प्रयास करते हैं, उससे बचें। और जो इंटरनल रिलेशंस है उसमें अगर कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ आपको लग रहा है खतरा है तो आप उसको ज़रूर भापें। महिला का क्या रोल रहा है? महिला क्योंकि महिला के साथ उसका संबंध बढ़ा था और दोनों